ఒక మతానికి సంబంధించి పాటలపై విద్యార్థులతో నృత్యాలు చేయించి మరో మతాన్ని కించపరిచేలా వ్యవహరించిన ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని పాఠశాలలు సీజ్ చేయాలని జావా ప్రతినిధులు ఫయాజ్ షమా రఫిక్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆదిలాబాద్ డీఈఓ కార్యాలయానికి వెళ్లి డీఈఓ ప్రణీతకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. తక్షణమే స్కూల్ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. దీనికి నిరసనగా కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా కలెక్టరేట్లోని ప్రజావాణిలో సైతం ఈ అంశంపై కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేస్తామని వెల్లడించారు. शहर आदिलाबाद एक अमन का गहवार माना जाता है, जिसे पीस जोन कहा जाता है. और यहाँ पर जो तालीमी माहौल है वो भी एक नंबर का तालीमी माहौल है, जहाँ पर को एजुकेशन के अलावा हर मजहब का बंदा तालीम हासिल करने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर एक क्लासरूम में बैठता है. लेकिन दो दिन में ये चीज़ देखने में आई है कि आदिलाबाद का जो पुराना स्कूल है लिटिल फ्लावर स्कूल, वहाँ पर एक एक्सकर्शन पिकनिक के मौके पर एक टीचर या हो सकता है मैनेजमेंट, ये लोग जो है सो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले गीत पर गाने पर एक मुस्लिम कम्युनिटी को डांस करा रहे हैं. ये इस चीज़ का पैगाम देता है कि अमन व अमान को आदिलाबाद में बर्बाद करेगा. इस मौके पर यहाँ पर जितने लोग मौजूद है, तमाम लोग कांग्रेस के सीनियर लोग हैं और IUML के हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, NGOs वाले हैं. आज DO मैडम को मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन पेश किया गया है और ये कहा गया है कि अगर पीर तक वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो इंशाल्लाह हम ग्रीवेंस में एक पिटीशन देंगे, उसके बाद लिटिल फ्लावर स्कूल को सीज करने के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना देंगे. ये हम आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और ख़ास कर जमीयत उलमा अरशद मदनी महमूद मदनी जमात इस्लामी से ये कहना चाहते हैं हम कि आप लोग क्या इतने बेहिस हो गए हैं कि कौम के इतने बड़े बड़े मसले उठ रहे हैं और आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है. अगर आप में वाकई हिस्से आप अगर वाकई जिम्मेदार समझते हैं अपने आप को तो आइए पीर के दिन ग्रीवेंस में और साथ दीजिए हमारा इस मसले पर लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे और हक का साथ देंगे. ये तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है.